गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। टुडे वी विल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। बिफोर यू रीड, इन 1997 एंड इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड द यूएस स्पेस सेटल। 1997 में इंडियन अमेरिकन वुमेन कल्पना चावला जो है इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड के जो स्पेस सेटल कोलंबिया है उसका पार्ट थी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, और पहली औरत बनी जो इंडिया में पैदा हुई थी, स्पेस में जाने वाली पहली वुमेन बनी। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजडी, पर सैडली मींस दुर्भाग्य से सेकेंड मिशन जो है कोलंबिया का, उसका जो है अंत हो गया था इन ट्रेजडी, एक ट्रेजडी में। कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड। कल्पना चावला ने कहा कि उसने कभी जो है सोचा भी नहीं था, या कभी सपन में भी नहीं सोचा था, एज अ चाइल्ड इन करनाल, एक छोटी सी जो लड़की करनाल की, दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस, कि वो जो है स्पेस का भी पार्ट बनेगी, हिस्सा बनेगी। इट वॉज enough that her parents, उसके लिए इतना ही काफी था, allowed her to attend engineering college, कि उसको जो है engineering college में admission लेने दिया। After she graduated from Tagore school, और अपने टैगोर स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने दिया, कल्पना के लिए वही एक बहुत बड़ी बात थी। After a bachelor of science degree, और अपनी जो साइंस डिग्री है बीएससी जो है इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से की उसने, और अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर, उनका जो है उनके अगेंस्ट जाकर वो अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चली गई। सी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद उसने वहां से जो है अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग से पीएचडी कंप्लीट की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला जो है पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट वुमेन थी टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनवरल फ्लोरिडा, जो केप कैनवरल फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था। ब्लास्ट ऑफ मीन्स वहां से जो लॉन्च हुआ था, उड़ान भरी थी, उसका जो है पार्टी, उसका जो हिस्सा बनी। एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और जो मिशन था इनका उसमें जो है सक्सेसफुली जो है पार्टिसिपेट किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द किंडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उसकी फैमिली मेंबर्स ने जो है उसको चीयर्ड किया, उसको जो है वहां टीवी से जो है उसको चीयर किया। अलोंग विद स्टाफ एट द किंडी स्पेस सेंटर, जब कोलंबिया जो मिशन था, जो जिसने किंडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी, उसको टीवी पर जो है उसकी फैमिली ने उसको चीयर किया। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना जो है का जन्म जो है हरियाणा के जो स्टेट, हरियाणा स्टेट से जो है करनाल डिस्ट्रिक्ट में जो है उसका बोर्न हुआ था। बट वो जो है एस्ट्रोनॉट यूएस सिटीजन, पर उसने जो है बट वो जो है नेचुरलाइज्ड
यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हरिसन, पर जो वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन उसको मिल गई क्योंकि उसने जो है वहां पे मैरिज कर ली थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हरिसन से। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, वो जो है एस्ट्रोनॉट के अलावा जो है और क्या थी, सी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। उस वो जो एक एस्ट्रोनॉट के अलावा जो है उसके पास लाइसेंस था फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन जो है उड़ाने का भी उसके पास लाइसेंस था, सिंगल इंजन सी प्लेन उड़ाने का भी उसके पास लाइसेंस था और ग्लाइडर्स भी जो है वो उड़ा सकती थी। सी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो जो है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, जब उसने अपना जो है पायलट बन गई थी वो, तो कल्पना चावला बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंजेस अप्लाइंग टू नासा स्पेस सेटल प्रोग्राम। तो उसने जो है नासा का जो स्पेस सेटल प्रोग्राम है उसमें भी उसने अप्लाई किया और चैलेंजेस को फेस करने के लिए। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और सबसे पहले वो जो है जो नासा का रिसर्च सेंटर है वहां एज ए साइंटिस्ट हायर हुई। इन 1994 सी वॉज सिलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और उसके बाद 1994 में उसका जो है सिलेक्शन हुआ कि वो नासा में एज एस्ट्रोनॉट उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। वैन आस्ट वट इट वॉज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड, सी रिप्लाइड आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडी और डूइंग एनीथिंग एल्स that I was a woman or a person from a small city or a different country। जैसे उससे पूछा गया कि आप एक अपने फील्ड में एक वुमेन होकर जो है आपको कैसा लग रहा है, तो वो कहती है आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा वाइल परस्यूइंग माइंड, जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी तब भी और अपनी लाइफ में जैसे इस फील्ड में जो कुछ कर रही हूँ तब भी जो है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं एक वुमेन हूँ और एक छोटे से जो है शहर से हूँ या फिर डिफरेंट कंट्री से हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम, जैसे और जो है दूसरे जो पर्सन है उनके जो ड्रीम्स होते हैं उसी तरह मेरे भी जो है ड्रीम्स थे एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनको जो है पूरा किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे फॉर्चुनेटली उन्होंने भी जो है सौभाग्य से ऑलवेज एनकरेज मी एंड सैड, और उन्होंने हमेशा ही मुझे एनकरेज किया और कहते थे इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, तुम जो भी करना चाहती हो वो जो है करो, अपनी लाइफ में जो है सक्सेस जो है हासिल करो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस सेटल, कल्पना चावला का जो फर्स्ट जो स्पेस मिशन था स्पेस सेटल कोलंबिया, उसमें जो है वॉज 15 days 16 hours 34 minutes लॉन्ग, वो जो है इतने 15 days का और 16 hours और 34 minutes जो है लंबा चला था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, इस जो है इतने लंबे टाइम में उन्होंने जो है अर्थ के जो है 252 राउंड लिए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और जो है इतने टाइम में उन्होंने जो है 10.45 मिलियन किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस कवर किया। द क्रू इंक्लूडेड ए जापनी एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, इस क्रू में जो ये स्पेस सेटल गया था कोलंबिया, इसमें जो है कल्पना के साथ एक जैपनीज था एंड एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, इस क्रू ने जो है कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, उन्होंने जो है
प्लांट जो है वहाँ पे ग्रो करने के लिए, कि वहाँ पे फूड जो है हो सकता है स्पेस में या नहीं, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल, और जो है स्ट्रोंगर से स्ट्रोंगर मेटल जो है कैसे बना सकते हैं, इससे रिलेटेड टेस्ट किए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप, और जो है फास्टर कंप्यूटर चिप कैसे बनाई जा सकती है, इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट 56 मिलियन डॉलर्स, और इस सब पर उनका उस टाइम जो है खर्चा आया था 56 मिलियन डॉलर्स। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिसास्टर ब्रोक, जब एक सैटरडे राइट जब इस कोलंबिया की जो डिसास्टर जो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी जो न्यूज आई, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ। उस टाइम वहां पे इतना शॉक था, और जो है शॉक में थे सभी, एंड डिसबिलीफ, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड, उस जब इंडिया का जो कोलंबिया डिसास्टर हुआ था, उस टाइम जो है करनाल जो सिटी है वो स्लीपलेस, मतलब पूरी रात जो है जागता रहा, जैसे एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड, हजारों की संख्या में लोग जो है बैठे थे ग्लू टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप ऑफ कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड। वो इसी उम्मीद से बैठे थे टीवी पे आंखें गड़ाए कि कहीं ना कहीं जो है कल्पना और उसका जो क्रू है वो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षित मिल जाए, जो है कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर रहे हों। एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, सी वॉज अ हीरोइन, वो जो है एक हीरोइन थी, रोल मॉडल थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है एबिलिटी थी जो एस्ट्रोनॉट बनने की, जो एस्ट्रोनॉट बनी, यू नीड टू नो ए लोट अबाउट एवरीथिंग, और एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जो है आपको नीड है बहुत ज्यादा लोट अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज की, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक, एंड टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की भी नॉलेज की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस टाइम जहां सुपर स्पेशलाइजेशन की बात होती है, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह नॉलेज होना जरूरी होता है, कि हर एक फील्ड की, हर एक चीज की जो आपको नॉलेज की जरूरत होती है। हर अचीवमेंट इज एव इंस्पायरिंग, उसकी जो इतनी उपलब्धियां हैं वो हमें बहुत इंस्पायर करने वाली जो है उसकी अचीवमेंट्स हैं। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, जो मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस हैं, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काइज, जो यंग इंडियंस हैं उनके लिए कल्पना चावला की स्टोरी, एक छोटी सी शहर की जो लड़की है उसने शहर से कैसे जो है आसमान को छू लिया, ये जो स्टोरी है ये उनके लिए एक जो है इंस्पायर करने वाली स्टोरी है, हैड बिकम एन इंस्पायरेशन। इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस सेटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में उसके जो चंडीगढ़ कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है, उसने जो है स्पेस सेटल से, कोलंबिया से जो है एक मैसेज उनके लिए भेजा। कल्पना सैड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, जो आपकी कामयाबी का, जो आपका ड्रीम है उस तक पहुंचने के लिए उस ड्रीम में ही उसका पाथ होता है। यू मे हैव द विजन टू फाइंड इट, और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस ऐसा विजन होना चाहिए कि उस ड्रीम में ही अपनी सक्सेस को पाने का जो है आप उस पाथ को देख सको। द
क्रेज टू गेट इनटू, और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको जो है ड्रीम को अपना फुलफिल कर सको। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और उसने जो है शुभकामनाएं दी इस अपने जर्नी को कंप्लीट करने की, जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो है जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए निकलते हैं या अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए उसने जो है शुभकामनाएं दी। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन हिज जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे जो है पीपल होंगे जो अपनी जर्नी को अभी स्टार्ट करने ही वाले होंगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने वाले होंगे, जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने हैं, उनके लिए भी जो है ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कल्पना चावला की, जो हमें हिम्मत देती है या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कॉन्फिडेंस देती है। थैंक यू बेटा।